पर आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ द्वारा आयोजित पुरानी पेंशन बहाली हेतु धरना प्रदर्शन डोभी स्टेशन पर करने के बाद शिक्षक टीम दिल्ली के लिए हुई रवाना। ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज मंजू लता राय ने बताया कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि करो या मरो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए, और उन्होंने बताया कि पूरे भारत के शिक्षक रामलीला मैदान जंतर मंतर पर धरना करने पहुंचे हैं। इस मौके पर मंत्री भूप नारायण सिंह, उपाध्यक्ष विनय कुमार राय, कोषाध्यक्ष राज बहादुर विश्वकर्मा, सदस्य जिला कार्य समिति राम जन्म यादव, मीडिया प्रभारी लालगंज समरजीत विश्वकर्मा, गिरीश चंद्र दीक्षित, राम सहाय सिंह, राम नवल यादव, सुमन गुप्ता, रविकांत राय, जिला कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र कुमार तिवारी, रविकांत पांडे, सुशील यादव, शिव पूजन यादव, कलीम शेख और सभी शिक्षक संघ उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आज आप लोगों का जो धरना है डोभी स्टेशन पे, किस मुद्दे का धरना है? हम लोगों का धरना जो है पुरानी पेंशन का मुद्दा है, और पुरानी पेंशन के लिए हम लोग आज दिल्ली के लिए पूरा ऑल इंडिया पूरे भारत के कर्मचारी और शिक्षक जितने भी हैं सारे लोग दिल्ली के लिए आज रवाना हो रहे हैं, और वहां रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर हम लोगों का धरना होगा। कितने दिनों तक ये धरना चलेगा? धरना तो हम लोगों का एक दिन का है, ऐसा नहीं कि कई दिन चलेगा, लेकिन अब ये नहीं है कि कब तक चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग एक दिन जा रहे हैं तो वहाँ हम लोगों को रुकना नहीं है। पूरी ऑल इंडिया के लोग आएंगे और धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। यदि वहाँ से निर्णय नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या? निर्णय नहीं होगा, निर्णय लेना और देना उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग, मुख्य मांग है हमारी पुरानी पेंशन, और हम 2004 से हम लोगों की पुरानी पेंशन बंद कर दी है, सरकार बंद कर दी है, और उसी पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग अपनी पुरानी पेंशन लेंगे। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम लेंगे, क्योंकि हमको इसके पहले पुरानी पेंशन हमारी मिल रही थी, और आज हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। हमारी पुरानी पेंशन जो हमारा हक था वो हमारा बंद हो गया है, इसलिए हम सारे कर्मचारी एकदम करो और मरो का संकल्प लेकर के दिल्ली की धरती पर जा रहे हैं कि अगर सरकार नहीं माने तो हम लोग मनाने का संकल्प लिए हैं, चाहे जैसे मानेगी उनको देना पड़ेगा। अगर वो पुरानी पेंशन लेंगे तो हमको भी देना पड़ेगा। हम 62 साल की उम्र तक हम नौकरी करते हैं, और नौकरी करने के बाद हम खाली हाथ आकर के घर बैठे, और विधायक सांसद अगर एक बार हो रहा है, चार बार हो रहा है, तो उसकी पुरानी पेंशन चार बार उसको मिल रही है, ये कहाँ का न्याय है सरकार का? और इसी के लिए हम सारे शिक्षक सारे कर्मचारी आंदोलित हैं और आंदोलित रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सरकार कुछ सार्थक निर्णय नहीं लेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।